दोस्तों, अगर अभी तक आपने गुल्ली बुल्ली और एलियंस के पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो सबसे पहले जाके उसे देख ले, वरना ये वीडियो आपको पूरी तरह समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में हमने देखा था गुल्ली बुल्ली बाबा और रॉड यूएफओ में बैठकर दूसरे प्लेनेट पर शॉन को बचाने जा रहे थे, क्योंकि एलियंस शॉन को पकड़कर दूसरे प्लेनेट पर ले गए हैं। तभी उनके यूएफओ के सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है, लेकिन बाबा उस मॉन्स्टर को मार देते हैं और सभी लोग एलियन के प्लेनेट की तरफ आगे बढ़ते हैं। गुल्ली बुल्ली बाबा और रॉड एलियंस के प्लेनेट पर आते हैं। बाबा यूएफओ से नीचे उतरकर एलियन के घर में जाते हैं। बाबा को दिखता है वहाँ बहुत सारे एलियंस होते हैं। बाबा सभी एलियंस को मार देते हैं, लेकिन तभी एलियंस का बॉस बाबा को पकड़ लेता है और गुल्ली बुल्ली रॉड का यूएफओ देख लेता है और एलियंस को उन्हें मारने के लिए भेजता है। एलियंस गुल्ली बुल्ली और रॉड को पकड़ लेते हैं और अब आगे गुल्ली बुल्ली और रॉड एलियंस से चारों तरफ से घिर चुके हैं। गुल्ली बुल्ली और रॉड को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करे। तभी एलियंस गुल्ली बुल्ली और रॉड के यूएफओ पे गोली चलाने लगते हैं। रॉड गुल्ली बुल्ली से कहता है ये यूएफओ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा और थोड़ी ही देर में ब्लास्ट हो जाएगा, हमें जल्दी इस यूएफओ से बाहर निकलना होगा। गुल्ली बुल्ली ये सुनकर बहुत डर जाते हैं। गुल्ली रॉड से कहता है रॉड जल्दी कुछ करो वरना हम मारे जाएंगे। तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। रॉड को यूएफओ में एक लाल बटन दिखाई देता है। रॉड जल्दी से उस बटन को दबा देता है। बटन दबाते ही गुल्ली बुल्ली और रॉड यूएफओ से नीचे आ जाते हैं और तभी उनका यूएफओ ब्लास्ट हो जाता है। एलियंस को लगता है इस ब्लास्ट में गुल्ली बुल्ली और रॉड मारे गए। रॉड गुल्ली बुल्ली से कहता है हमें जल्दी कहीं छिपना होगा, इससे पहले वो एलियंस हमें जिंदा देख ले। चलो सभी लोग उस गुफा में छिपते हैं। गुल्ली बुल्ली और रॉड गुफा में आकर छिपते हैं। उन्होंने देखा कि एलियंस वहां से वापस जा रहे हैं। थोड़ी ही देर में एलियंस वहां से बहुत दूर चले जाते हैं। इधर गुल्ली बुल्ली और रॉड के सांस में सांस आती है, लेकिन इन्हें पता नहीं है ये लोग जिस गुफा में हैं उस गुफा में एक दरिंदा चमगादड़ रहता है और जो भी उस गुफा में आने की कोशिश करता है वो उसे मार देता है। रॉड गुल्ली बुल्ली से कहता है चलो सभी लोग गुफा से बाहर निकलते हैं, लेकिन तभी वो दरिंदा चमगादड़ गुफा का गेट बंद कर देता है। गुल्ली बुल्ली और रॉड ये देखकर बहुत डर जाते हैं। उन्होंने देखा कि वो दरिंदा चमगादड़ उनकी तरफ बढ़ रहा है। गुल्ली बुल्ली और रॉड को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो अब क्या करे, लेकिन तभी इस दरिंदे चमगादड़ को किसने मारा। तभी गुल्ली बुल्ली और रॉड को दिखता है एक एलियन अपनी गन से दरिंदे चमगादड़ को मार रहा है। एलियन गुफा का गेट तोड़ता है। गुल्ली बुल्ली रॉड से कहता है जल्दी चलो यहाँ से वरना ये दरिंदा चमगादड़ तुम सभी को खा जाएगा। गुल्ली बुल्ली और रॉड एलियन को देखकर और भी ज्यादा डर जाते हैं। मैं एक अच्छा एलियन हूँ, तुम मेरा भरोसा कर सकते हो, अब जल्दी चलो यहाँ से वरना वो चमगादड़ तुम्हें मार देगा। तभी वो चमगादड़ होश में आ जाता है। सभी लोग मेरे पीछे आओ। गुल्ली बुल्ली और रॉड एलियंस के पीछे पीछे दौड़कर जाने लगते हैं। वो एलियंस गुल्ली बुल्ली और रॉड को लेकर अपने घर पर आता है। गुल्ली एलियन से पूछता है तुमने हमें बचाया क्यों, तुम तो उस मॉन्स्टर बॉस के साथ हो ना, उसका नाम हाइड्रा है और उसने हमारे प्लेनेट पर कब्जा कर लिया है और वो मेरे साथियों को भी अपने वश में कर अपनी सेना बना रहा है। उसका अगला निशाना धरती है, लेकिन धरती पर हमला करने के लिए उसे बहुत ताकत की जरूरत है और ताकत पाने के लिए उसे एक नादान इंसान की बलि देनी होगी, इसलिए उसने तुम्हारे दोस्त को पृथ्वी से अगवा किया क्योंकि वो बहुत नादान और नटखट है। हाइड्रा के साथ साथ उसने हमारे बाबा को भी पकड़ लिया है और अगर उसने बाबा की बलि दे दी तो उसका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा और फिर वो हमारे पृथ्वी को नष्ट कर देगा और अगर ऐसा हुआ तो धरती पर कोई नहीं बचेगा। हमें कैसे भी कर उस हाइड्रा को रोकना होगा और बाबा शॉन और तुम्हारे साथियों को बचाना होगा। उस हाइड्रा को मारना इतना भी आसान नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए हम उस हाइड्रा को रोक कर ही रहेंगे, चाहे हमारी जान भी क्यों ना चली जाए। हाँ, गुल्ली बिल्कुल सही कह रहा है, अब जल्दी बताओ उस हाइड्रा को मारने का तरीका। ठीक है, मैं हाइड्रा को मारने का तरीका बताता हूँ। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक गुफा है और उस गुफा के अंदर ही हाइड्रा का दिल रखा है और अगर हम उस गुफा में जाकर उस दिल को नष्ट कर दे तो वो हाइड्रा मारा जाएगा। उस दिल तक पहुँचना इतना भी आसान नहीं है, उस दिल की सुरक्षा एक बहुत खतरनाक ड्रैगन करता है। वो ड्रैगन वहाँ आने वाले किसी भी चीज को जिंदा निगल लेता है। हम उस ड्रैगन का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। किधर है वो गुफा? सभी लोग एक एक साइकिल ले लो, मैं लेकर चलता हूँ तुम्हें वहाँ। ठीक है। गुल्ली बुल्ली रॉड और एलियन साइकिल से उस गुफा की तरफ जाने लगते हैं। सभी लोग जंगल के रास्ते से उस गुफा की तरफ जा रहे थे। तभी इन्हें दिखता है रास्ते में तो एक बहुत बड़ी नदी है।
रॉड कहता है, हम इस नदी को कैसे पार करेंगे? हम यहाँ लकड़ी का एक ब्रिज बनाएंगे। जल्दी करो, सभी लोग काम पे लग जाओ। गुल्ली बुल्ली, रॉड और एलियन काम पे लग जाते हैं। सभी लोग रास्ते से हट जाओ। रॉड एक लकड़ी से वहां ब्रिज बना देता है। सभी लोग एक एक कर उस ब्रिज को पार करते हैं। थोड़ी ही देर में वो लोग उस गुफा के पास पहुंच जाते हैं। ये देखो, यही है वो गुफा जहां हाइड्रा का दिल रखा है। चलो दोस्तों, जल्दी उस गुफा के अंदर चलते हैं। गुल्ली बुल्ली, रॉड और एलियन उस गुफा के अंदर जाने लगते हैं। वो लोग जैसे जैसे उस गुफा के अंदर जा रहे थे, उन्हें वहां हड्डियों का ढेर और ढेर सारा कंकाल दिखाई देता है। गुल्ली बुल्ली, रॉड और एलियंस ये देखकर बहुत डरने लगते हैं। रास्ते में इनके सामने एक लावा से भरी नदी आती है। ये देखते ही रॉड एलियन से कहता है, तुमने हमें इस लावा की नदी के बारे में बताया क्यों नहीं? इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। हम इस नदी को कभी पार नहीं कर पाएंगे, ये बहुत मुश्किल है। एलियन दोस्त और रॉड, तुम लोग डरो नहीं, हम लोग कैसे भी कर मिलकर इस नदी को पार करेंगे। सभी लोग मेरे पीछे आओ। गुल्ली बुल्ली, रॉड और एलियंस लावा से भरी नदी को पार करने लगते हैं। तभी उस ब्रिज का रस्सी टूट जाता है और ब्रिज टूट कर नीचे गिरने लगता है। रॉड ब्रिज के साथ नीचे गिरने लगता है। गुल्ली बुल्ली ये देखकर बहुत घबरा जाते हैं। रॉड बहुत डर जाता है। तभी रॉड अपनी बर्फीली हवा का कमाल दिखाता है और लावा से भरी नदी से बाहर आ जाता है। गुल्ली बुल्ली, रॉड और एलियंस ने तो लावा से भरी नदी पार कर ली, लेकिन अभी उन्हें ड्रैगन से लड़ना बाकी है। सभी लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ी ही देर में वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां हाइड्रा का दिल रखा है। वो रहा उस हाइड्रा का दिल। गुल्ली बुल्ली, जल्दी चलो, चलकर उस दिल को नष्ट कर देते हैं। हमें सावधान रहना होगा क्योंकि वो ड्रैगन यहीं कहीं आसपास हो सकता है। एलियन ये बात बोल रहा था, लेकिन इन्हें पता नहीं है वो ड्रैगन इनके पीछे ही खड़ा है। क्या गुल्ली बुल्ली, रॉड और एलियन ड्रैगन का मुकाबला कर हाइड्रा का दिल नष्ट कर पाएंगे या फिर वो लोग मारे जाएंगे? अगर आपको जानना है तो आपको देखना होगा पार्ट 4। पार्ट 4 देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे सेट कर दे।